खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से जो बड़ी खबर आ रही है, पत्रकार समागम में सीएम शिवराज ने एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में फिर आएगा शिवराज सरकार का राज, इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। इसीलिए घोषणाएं चुनाव के पहले ही कर दूंगा, चुनाव के बाद आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो घोषणाएं पहले और उसके बाद आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि दृढ़ संकल्पित है, निश्चित है कि वही आने वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। तो पत्रकार समागम में सीएम शिवराज ने कॉन्फिडेंस के साथ ये बड़ा बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में फिर शिवराज सरकार आने वाली है, इस चुनाव के बाद हम ही रहने वाले हैं। वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार की का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा बहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारी बातें कही हैं। पत्रकार समागम में शामिल हुए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार राज आएगा और इस चुनाव के बाद हम ही रहने वाले हैं, इसलिए पहले घोषणाएं कर रहा हूं और फिर चुनाव के बाद आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं ऐसा होता ही है कि पत्रकार की का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा बहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन भी जल्द ही किया जाएगा। पत्रकारों की श्रद्धा निधि में भी वृद्धि की गई है और साथ ही बीमा प्रीमियम राशि भी बीते साल के बराबर उपलब्ध कराई जाएगी। आवास कर्ज की सीमा को 30 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। उनके सम्मान निधि को बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया है। सीएम ने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा की जो पॉलिसी है उसकी राशि सरकार वहन करेगी। तो पत्रकार समागम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और बड़ी घोषणाएं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं पत्रकारों के हित में की है। पत्रकार भवन में नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
एक बड़ी बात कही है, साथ ही साथ सुरक्षा कानून, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून है उसके लिए कमेटी का गठन जल्दी किया जाएगा, पत्रकारों की श्रद्धा निधि में भी वृद्धि की गई है और सीनियर पत्रकारों को शामिल करके एक समिति बनाई जाएगी, उसमें राजधानी भोपाल में पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा। तो बड़ी घोषणाएं पत्रकारों के हित में की गई है,